डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एग्जाम्पल नंबर फोर ऑफ द फैक्टर अनालिसिस यूजिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर मीन्स आप इसमें एस पी एस एस हम बेसिकली एग्ज़ाम्पल फोर को एस पी एस एस से सॉल्व करेंगे और भी सॉफ्टवेयर हैं सैज है सैज SAS SAS से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टर अनालिस अब हमने फैक्टर अनालिसिस नोमरिकली चेक कर लिया वन फैक्टर सोल्यूशन हमने फाइंड किया और हमें आइडिया होगा कि वन फैक्टर सोल्यूशन हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं मोर देन वन फैक्टर सोल्यूशन करना है तो हम किसी सॉफ्टवेयर से उसका फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं ईजीली तो हम एग्जाम्पल नंबर फोर को आज एस पी एस एस में सॉल्व करके देख रहे हैं कि कैसे फैक्टर एनालिसिस हमने यूज़ करना है द एग्जाम्पल इज दिस सपोज सपोज करें क्योंकि डेटा आपके पास इस है कि हमने उसको सपोजिशन की हुई है सपोज आ साइकोलॉजिस्ट वॉन्ट्स टू एग्जामिन दंडरलाइन फैक्टर That explain the variation in score on a depression survey. Psychologists ने क्या करना है? Depression survey basically हमारे पास variable क्या है? Depression. Depression के ऊपर वो कोई survey करना चाह रहे हैं। उस survey के लिए उसने factors determine करने हैं कि इस survey से depression के कौन से factors determine हो रहे हैं। The question consists of the survey consists of ten question. Basically हमने क्या किया? हमने एक सर्वे कंडक्ट किया टेन क्वेश्चन हैं उन टेन क्वेश्चन का हम एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं एंड आस्क अबाउट डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं द साइकोलॉजिस्ट कुलेक्ट डेटा फ्रॉम द सैम्पल ऑफ टू हंड्रेड इंडिविजुअल्स एंड कंडक्ट फैक्टर अनालिसिस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि टू हंड्रेड का सैंपल कुलेक्ट किया उन टेन क्वेस् के ऊपर उन टेन क्वेश्चन के ऊपर टू हंड्रेड का सैंपल कुलेक्ट किया देन हमने उसके फैक्टर एनालिसिस किए पहले तो आपको पता है कि बेसिक हम फाइंड कर सकते हैं मीन मीडियम मॉड और जो भी उसके जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे हम ग्राफ बना सकते हैं देन ग्राफ के बाद आप उसमें फर्दर जो एनालिसिस करना है वो हम इजीली कर सकते हैं बट साइकोलॉजिस्ट इस वक्त फैक्टर देखना चाह रहा है उन टेन क्वेश्चन के हम कितने फैक्टर्स बना सकते हैं स्टेप नंबर वन अब बेसिकली मैं आपको सिर्फ फैक्टर एनालिसिस बता रही हूँ यहाँ पे करने के लिए उससे प्रीवियस जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो भी इजीली फाइंड हो सकती हैं नाउ द स्टेप नंबर वन कंडक्ट द फैक्टर एनालिसिस द साइकोलॉजिस्ट यूज अ स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज टू कंडक्ट द फैक्टर एनालिसिस अब उसने कोई ना कोई स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर तो लेना है ना उसको फैक्टर एनालिसिस फाइंड करने के लिए तो वो उसने एस पे डेटा एंटर करना The software output a scree plot. Scree plot basically scree plot aapko batayegi ki how many factors determine karne hain ki total 10 question hai uske kitne aapke paas total factors ban sakte hain which shows the eigen values of each factor. अब वो जो scree plot है वो between eigen values of each factor है. Eigen values हमने principal components में बहुत detail में study किए हैं. तो eigen values के against हम scree plot देख रहे हैं. आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट देशन इन द्लेच फैक्टर आगन वैल्यू आपको क्या बताएगी कि अमाउंट ऑफ डेटा एक्सप्लेन बाय ईच फैक्टर फैक्टर वन कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन करें फैक्टर टू कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन करें तो वो हम आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं नाउ स्क्रीन प्लॉट अभी जो हमारे पास डेटा है हमने इसकी स्क्रीन प्लॉट निकाली है और उसके बाद हमें एक पता चल रहा है द स्क्री प्लॉट सजेस्ट द टू फैक्टर सोल्यूशन वुड बी अप्रोप्रिएट ठीक है स्क्री प्लॉट ने हमें बता दिया है कि टू फैक्टर सोल्यूशन बनना है अब वो स्क्री प्लॉट बेसिकली आपके पास अगेन आइगन वैल्यूज है और वो यहाँ पे आपके पास है वन टू थ्री फोर अप टू सोन अब स्क्री प्लॉट क्या कर रही है यहाँ पे आप लाइक आपके पास इस तरह की डायग्राम हो रही है ये जहाँ एल्बो शेप आती है ना एल्बो शेप आपके पास आ रही है ये ये कट बन गया ना उसके बाद सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट हो गई यानी वो सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि टू फैक्टर सोल्यूशन हो गया वन तो हमारे पास ये आइडिया कि हमने स्क्री प्लॉट से देख लिया सेकेंडली हम देख लेते हैं आइगन वैल्यूज के अगेन जो आइगन वैल्यू लेस देन वन हो रही है हम वहाँ पे अपना सल्यूशन फैक्टर सोल्यूशन कह लेते हैं कि यहाँ तक हम इतने फैक्टर्स डिटर्मिन कर लेंगे तो फर्स्ट हमने क्या किया स्क्री प्लॉट चेक कर ली स्टेप नंबर टू इंटरप्रेट द फैक्टर्स अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं फैक्टर्स हमने रोटेशन फैक्टर्स भी ले लिए किसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर ले रहे हैं यहाँ पे द साइकोलॉजीज यूज थल रोटेशन वेरी वेरीमैक्स आपको अगर याद हो कि हमने रोटेटेड कॉम्पोनेंट्स भी पढ़े थे तो रोटेटेड कॉम्पोनेंट्स हमने देखे हैं और हमने यूज़ क्या किया वेरी मैक्स के अकॉर्डिंग टू रोटेट द फैक्टर एंड मेक देम द इजियर टू इंटरप्रेट हमने अब ईजीली रोटेशन ले लिया है रोटेशन से हमारे पास टू फैक्टर सोल्यूशन ईजिली डिटर्मिन हो गए आफ्टर रोटेशन द टू फैक्टर लेबल्ड एज दिसक्टर फर्स्ट फैक्टर वो टेन आपके पास बेसिक क्वेश्चन थे उसमें से हमने फर्स्ट फैक्टर डिटर्मिन किया तो टेन क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या थे फीलिंग सैड और डाउन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज feeling of worthlessness or guilt difficulty concentrating and difficulty sleeping ab ye five hamare paas variables the basically 10 variables hai na usme se hamare paas five aa gaye hain ye five variables kisko show kar rahe hain yani ab hamare paas ye group aa gaya hai five ka in five को अब हमने कोई ना कोई name देना है This is the first factor. First factor में हमारे पास आ गए हैं और ये first factor हम किसके अगेंस्ट देख रहे हैं रोटेटेड कंपोनेंट के अगेंस्ट हमने देखा है रोटेटेड कम्पोनेंट में हमें उस उसने रोटेटेड कॉम्पोनेंट ने हमें ये फाइव फैक्टर्स का एक फाइव वेरिएबल्स का वन फैक्टर सोलूशन दिया और इसका नेम अब इस फैक्टर्स का जो नेम है वो बेसिकली हमने खुद डिसाइड करना है कि इन फैक्टर्स का नाम क्या होना चाहिए दैट इज कॉल्ड दी दॉनेटिव अफेक्टिव सिम्टम्स यानी इसका नेम हमने खुद रखा है इन फाइव को देखते हुए हम एक पर्टिकुलर नेम खुद सजेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास क्या है टेन ये फाइव क्वेश्चन हो गए देन सेकेंड हमारे पास अभी तो फाइव क्वेश्चन है तो सेकेंड हमारे पास और क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मे बी या क्वेश्चन नंबर थ्री हो सकता है फोर हो सकता है ये तो आपके पास डिटार्मिन होकर मैंने फाइव फैक्टर्स लिख हैं ना अदरवाइज ये तो मिक्स है उन मिक्स में से फैक्टर्स बने हैं चेंज इन एप्टीट्यूड एंड ऑल वेट फटीक और लॉस ऑफ एनर्जी साइकोमोटर एगिडेशन और रेडिय रिटाडेशन अब ये साइकोमोटर एडिडेशन और रिडाडेशन क्या है बेसिकली जो स्लो स्पीक करने वाले हैं स्लोली सोचते हैं और जो स्लो होते हैं ना बेसिकली उनको हम ये फैक्टर्स में कहते हैं सुसाइड थाट्स और एक्शन डेमेज एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सनट्रेट तो हमारे पास ये टोटल टेन क्वेश्चन थे इन टेन क्वेश्चन के टू फैक्टर सोल्यूशन बना बेसिकली फैक्टर एनालिसिस क्या करता है रिड्यूस कर लेता है ना हम जैसे प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फैक्टर एनालिसिस बेसिकली रिडक्शन ऑफ वेरिएबल्स है यानी कोई वेरिएबल मिस नहीं है टेन के टेन सारे वेरिएबल्स आपके पास हैं बट उन टेन वेरिएबल्स को हम हर दफ़ा टेन वेरिएबल्स लेके चलें तो बेटर है कि वो टेन वेरिएबल्स किस में कन्वर्ट हो गए टू फैक्टर सोल्यूशन में तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है कॉग्नेटिव अफेक्टिव और सेकेंड फैक्टर फिजिकल सिम्टम्स तो बेसिकली फिजिकल सिस्टम है फिर ठीक है उसको वो स्लो स्पीक कर रहा है वेट गेन हो रहा है सुसाइड थॉट्स आ रही हैं उसको और उसका कोई काम में दिल नहीं लग रहा तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल सिम्टम्स तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हो जरूरी नहीं कि नेम यही रहे हमने उनकी करैक्टरिस्टिक्स देख के ये नेम खुद से डिसाइड करना है ठीक है फैक्टर नेम जो है ये खुद से डिसाइड करना है किस तरह खुद से करना है ये हमने करैक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ये सारी किस साइड पर जा रही हैं थर्ड चेक द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दी फैक्टर रिलायबिलिटी चेक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सैम्पल साइज सफिशेंट है रिलायबल है जो आपने क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं फाइल फिल करवाया है file, uh, कर उसके क्वेश्चन सारे आपने चेक कर लिए हैं और आपने कोई पायलट टेस्ट कर लिया है प्री टेस्ट आपने किया है तो चेक द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द फैक्टर्स द साइकोलॉजिस्ट चेक द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ ईच फैक्टर बाई कैलकुलेटेड क्रॉन बैक अल्फा रिलायबिलिटी किससे हम चेक करें क्रॉन बैक अल्फ़ा से द रिजल्ट इंडिकेट दाई इंटरनल कंसिस्टेंसी फॉर बोथ फैक्टर्स कॉग्नेटिव अब काग्नेटिव का हमने जब चेक किया तो रिलायबिलिटी हमारे पास आगे जीरो पॉइंट एट फाइव हाई है बिल्कुल ठीक है फिजिकल सिमटम्स की हमारे पास अल्फा क्रॉन बैक अल्फा को डिनोट करें अल्फा से तो सेकेंड फिजिकल सिमटम्स की हमारे पास आगे जीरो पॉइंट एट थ्री दोनों आपके पास सफिशियंट है पॉइंट सेवन से अब हो जाए तो सफिशेंट आपके पास आ रहा रिलायबिलिटी बिल्कुल ठीक आ रही है क्योंकि पॉइंट सेवन से अबव है तो ये पॉइंट एट फाइव है दूसरी हमारे पास पॉइंट एट थ्री आ रही है ओवरऑल अब हम इस पे क्या कंक्लूजन कर रहे हैं ओवरऑल दिस फैक्टर सजेस्ट

अब उनके लिए हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है फिजिकल डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हमारे पास उनको कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है काग्नेटिव वालों के पास उनको हमने कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है यानी अब आपके पास क्या हो गया वो टेन फैक्टर्स टेन वेरिएबल्स वाले को टू फैक्टर सोल्यूशन में हमने कर लिया द कागनेटिव अफेक्टिव सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स दिज आर दू फैक्टर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल फॉर डिवेलपिंग इंटरवेंशन दैट टारगेट स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और फॉर आइडेंटिफाई सब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ट्रीटमेंट कि कॉर्गिनेटिव वालों को इस टाइप की ट्रीटमेंट मिलेगी और फिजिकल वालों को इस टाइप की ट्रीटमेंट मिलेगी तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ने ये अनालिस किया उसने सजेस्ट किया कि हम डिप्रेशन को स्टडी करना चाहते हैं विद डीज वेरिएबल्स तो दिस इज दी टू फैक्टर सोल्यूशन एग्जाम्पल फोर फर्दर अब इस एग्जाम्पल फोर को हम एस पे चेक कर लेते हैं